सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, हालांकि इसकी एक्सपेक्टेशन हमें पहले से थी, क्योंकि हमने इस पर डिस्कस भी किया था। क्योंकि यदि किसी भी एग्जाम का फॉर्म आप 26 तारीख तक भरवा रहे हो, 26 फरवरी तक, और उसके बाद 3 मार्च को एग्जाम लेना, एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क था। और फाइनली एमपीपीएससी ने इस एग्जाम डेट को पोस्टपोन कर दिया है। नाउ लुक एट दिस वन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 मार्च 2024 को जो एग्जाम होने वाला था उसको अब प्रॉपर तरीके से क्या कर दिया गया है, अपरिहार्य कारणों के कारण स्थगित कर दिया गया है। नाउ ये एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल परीक्षा, इन सभी का पोस्टपोन किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नाउ अब ये क्वेश्चन बनता है कि भाई 3 मार्च को तो पोस्टपोन कर दिया गया, अब अगला एग्जाम कब कराया जाएगा, मतलब अगली डेट कब की आ सकती है। देखो, मार्च की डेट आने की संभावना कमी कम है। यदि ऐसा होना होता तो ये लोग अभी डेट प्रॉपर तरीके से जारी कर देते, है ना, ऐसी उम्मीद है ना। अप्रैल या मई में एग्जाम होने की संभावना कमी कम है, बिकॉज लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि जून में जो एग्जाम आपका होने वाला था, 2 जून में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो बाकी एग्जाम है 2 जून को होने जा रहे हैं, ठीक है, बाकी 8 सब्जेक्ट के लिए। तो प्रोबेबली यही है कि उसके साथ अब मर्ज कर दिया जाएगा, है ना। तो 2 जून 2024 को मोस्ट प्रोबेबली शायद एग्जाम आपका हो सकता है, उस समय डेट पोस्टपोन हो जाएगी, अनटिल लेस एमपीपीएससी भी कोई नया नोमिनेशन कर दे। हालांकि पॉसिबिलिटी कम ही कम है, क्योंकि देखो अगला महीना जो एमपीपीएससी का ऑलरेडी बहुत ऑक्यूपाइड है, क्योंकि एडीपीओ के इंटरव्यूज ऑलरेडी स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में एमपीपीएससी कोई नया नोमिनेशन तो नहीं करेगी, लेकिन पॉसिबिलिटी इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2 जून को एग्जाम होने की संभावना हो सकती है, जो 2 जून में दूसरे लॉट का जो एग्जाम होने वाला था उसी के साथ शायद मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये है हमारा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के बारे में। और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में जैसा कि आप जानते हैं 2 पार्ट हैं, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए का जो पार्ट है ये जीएस का पार्ट है, इसमें जरूर आप थोड़ी ध्यान रखिएगा, प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को करते जाएं, रिविजन को बार बार करिए। और पेपर बी, पार्ट बी जो है वो तो चलो ठीक है, ये तो आपके सब्जेक्ट का होगा, लेकिन पार्ट ए पोर्शन भी काफ़ी स्कोरिंग है, और इसमें यदि आप अच्छे स्कोर करते हैं तो इसमें सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा होगी, है ना। तो इसमें प्रयास करें, इसको बार बार रिवीजन करें, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर क्वेश्चन इस समय, देखो सिविल सर्विस के एग्जाम में तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा लूज आता है, सिंपल आता है, लेकिन जो बाकी एग्जाम होते हैं सिविल सर्विस के अलावा, जैसे अभी टैक्सर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, एडीपीओ के एग्जाम हुए, जीरो सर्विस के एग्जाम हुए, वहाँ पर आईसीटी का पोर्शन जो है थोड़ा सा टफ आता है। तो थोड़ी सी उस हिसाब से तैयार रहेगा। करंट अफेयर का पोर्शन तब तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, तो करंट अफेयर का पोर्शन भी आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहेगा, तो इससे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा अनाउंसमेंट और भी है, हमारा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैच कोर्स भी उपलब्ध है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस आपका यह है कि आपने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं किया है, तो उसकी फीस रखी गई 999 रुपये, ये पार्ट ए पोर्शन की फीस रखी गई है। और दूसरा टेस्ट सीरीज भी रखी गई हमारे पास, ये है 399 रुपये। तो टेस्ट सीरीज है 399 रुपये, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाइलेशन है। आप हमारे चैनल में और भी वीडियोस देख सकते हैं, जो भी करंट अफेयर का वीडियो डला हुआ है, मध्य देश इकोनॉमी का वीडियो डला हुआ है, टेस्ट सीरीज का ही पार्ट है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि क्वालिटी उसकी कैसी रहती है, उसे प्रॉपर तरीके से आपको पीडीएफ और डिटेल एनालिसिस भी दी जाती है, है ना। और साथ में 999 का बैच कोर्स उपलब्ध है, इसको ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 8826033084, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन बैच कोर्स या आई वॉन्ट टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज, तो वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों से मैं ही कहना चाहता हूं कि आप लोग प्रॉपर तरीके से रिविजन करते चलिए, बिकॉज कई लोग अब ठंडे बस्ते में चले जाएंगे, तो जितनी मेहनत करी है वो सारा का सारा गायब हो जाएगा। और फिर यदि आपने 1 महीने का ब्रेक ले लिया तो सब चीजें फिर नए सिरे से तैयार करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ दिन में एक फिक्स टाइम 2-3 घंटे का बना के रखिएगा, कि जहाँ पे आप जो भी आपने पढ़ा है अभी तक उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते चलेगा। क्योंकि अब कई लोगों को लगेगा कि हाँ एग्जाम तो लंबा पोस्टपोन हो गया है, तो आराम से करते हैं, तो ये गलती मत करेगा, रिविजन को बार बार करते रहेगा, जो कि आपने जितनी भी मेहनत अभी तक करी है वो सारा का सारा फिर चला जाएगा। इसलिए प्रयास करें, रिविजन को बार बार करिए, और साथ में जो स्पेशली आईसीटी का पोर्शन, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर का पोर्शन है, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको जरूर आप देख के जाइए, वो आपको हमारे चैनल में मिलेगा, साथ में उसकी सीरीज भी उपलब्ध है, उसको भी आप देख सकते हैं, ना। तो ये रहा डिस्कशन को इस वाइंड अप करते हैं। यदि आपके मन में कोई और भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।